अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इसमें कि द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम, दो टीम है इसमें ए और बी, इन फर्स्ट 10 ओवर्स आर गिवन बिलो। इसमें 10 ओवर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ओवर्स हैं। ए टीम ने बनाए 2 रन फर्स्ट ओवर में, बी ने बनाए 5 रन, टू ने सेकंड ओवर में ए टीम ने बनाए 1 और बी टीम ने बनाए 6, इस टाइप से रन दिए हुए हैं। ठीक है, इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे। पहले कर लीजिए इसको प्रैक्टिस। ये देखिए, ये तो है हाँ वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, नहीं इसमें 1 1 का ही लेना पड़ेगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, 1 1 का ही लेना पड़ेगा क्योंकि तो कम आ रहे हैं ना इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, ये देखिए 0, ये तो हो गया हमारा ओरिजन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स। अब इसमें स्केल लेंगे, स्केल यहाँ पे तो है ओवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये बन गए ओवर्स। तो ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ओवर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ओवर, ये तो हो गया इसका स्केल, इस वाले का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ओवर है। दूसरा आया वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कितने लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, यहां पे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अभी तो ये स्केल लिखा गया है हमारा, ये है यहां पे आएंगे ओवर्स, OVERS। ठीक है, ये तो हो गए ओवर्स और ये हो गई हमारी रन्स। क्या हो गए, ये रन्स। म्यूट कर दीजिए अपने आप को, आवाज आ रही है। अब इसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम टीम ए का देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि टीम ए के लिए हम इस टाइप की मार्किंग लेंगे, ये जो रिप्रेजेंट करेगी सिंगल लाइन, ये होगी टीम ए। और जब हम डैश डैश करके लेंगे इस टाइप से, ये होगी टीम बी, टीम बी। ठीक है, अब हम ले रहे हैं पहले टीम ए के लगाएंगे। टीम ए के देखिए 2/5 है, 2/5 1/2, सॉरी टीम ए के लिए देख रहे हैं ना, तो इसको भी नहीं देखेंगे, नीचे वाला भी नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे टीम ए। तो 1/2, ठीक है। अब 1 पे 1 ओवर कहाँ है हमारा, 1 ओवर है हमारा ये रहा, 1 ओवर पर
वन ओवर ये है हमारा, इस पे कहां लगाएंगे टू, वन ओवर पर टू था ठीक है। फिर है टू ओवर पर वन, टू ओवर पे वन, ये है टू ओवर पे वन। फिर थर्ड ओवर पर एट, थर्ड ओवर पर एट, ये रहा थर्ड ओवर पर एट, ये हो गया। फिर फोर्थ ओवर पर नाइन, ये फोर्थ ओवर है, इस पर है हमारा टीम ए का नाइन। फिर फिफ्थ ओवर, फिफ्थ ओवर पर है फोर, ये फिफ्थ ओवर पर हो गया फोर। फिर सिक्स ओवर पर है फाइव, सिक्स ओवर पर हो गया फाइव। फिर सेवेंथ ओवर है, सेवेंथ ओवर पर है सिक्स, सेवेंथ ओवर पर हो गया सिक्स। फिर एट ओवर पर है, एट ओवर पर है टेन, एट ओवर पर हो गया टेन। फिर नाइन्थ ओवर पर है, नाइन्थ ओवर पर है सिक्स, नाइन्थ ओवर पर आ गया सिक्स। टेंथ ओवर पर है हमारा टू, टेंथ ओवर पर आ गया टू। अब इसको सिंगल लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ये टीम ओ उसके लिए है, ए के लिए सिंगल ऐसी लाइन चलेगी इसके लिए, डार्क वाली डॉटेड नहीं चलेगी। ये हम सिंगल लाइन वाली यूज करेंगे, डॉटेड लाइन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये टीम ए है हमारी, ये हमारी टीम ए है हर ओवर के साथ। ये देखिए ये आते जा रहे हैं, हम इसको ज्वाइन करते जा रहे हैं। ये हो गया, ये देखिए ये हो गई टीम ए की, ठीक है। अब टीम बी की लगाएंगे, टीम बी में देखिए, टीम बी में क्या है, वन ओवर पर टू है, वन ओवर पर फाइव, टू ओवर पर सिक्स, थ्री ओवर पर टू, फोर पर टेन, इसको ऐसे ही लगाते चले जाएंगे। तो वन ओवर पर फाइव, वन पर कहाँ है फाइव, ये रहा वन पर फाइव। अब ये टीम बी के लिए लगा रहे हैं, टू ओवर पर सिक्स, टू ओवर पर सिक्स, थर्ड ओवर पर टू, थर्ड ओवर पर टू, फोर्थ ओवर पर टेन, फोर्थ ओवर पर ये रहा टेन, ये फोर्थ ओवर पर टेन ठीक है। फिफ्थ ओवर पर फाइव, फिफ्थ ओवर पर फाइव, सिक्स्थ ओवर पर सिक्स, सिक्स ओवर पर सिक्स, ये रहा सिक्स ओवर के ऊपर सिक्स वाला लगा दिया। सेवन ओवर पर थ्री, सेवन ओवर ये रहा और थ्री कहाँ है, ये आ रहा थ्री। एट ओवर पर फोर, एट ओवर पर फोर, नाइन्थ ओवर पर एट, नाइन्थ ओवर पर एट है हमारा, ये रहा एट, नाइन्थ ओवर पर एट, ये आ गया। और टेंथ ओवर पर टेन, टेंथ ओवर पर ये रहा टेन। अब इसको लाइन से ज्वाइन कर देंगे, इन्हीं लाइन्स, इन्हीं पॉइंट्स को डैश डैश करके। तो पहले तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आ गया डैश डैश करके। फिर इसके बाद फिर नीचे की तरफ आया है पॉइंट, ये रहा, इसको डैश डैश करके मिलाएंगे क्योंकि ये टीम डी है। फिर कहां गया इसमें, ये ऊपर की साइड गया है, ये यहां पर। अब इससे ज्वाइन करेंगे डैश डैश करके, ठीक है। फिर कहां की तरफ आया है, ये नेक्स्ट वाले ओवर में ये आ गया, फिर इसके बाद यहां पर गया है, ये रहा। फिर कहां आया है, ये। फिर इसके बाद ये आ गया हमारे, फिर ये आया हमारे, फिर इसके बाद कहां गया है, फिर ये ऊपर ये आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे टीम ए और टीम बी का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। ये जो डार्क वाली लाइन चल रही है सिंगल लाइन, ये तो रिप्रेजेंट कर रही है टीम ए को, और ये जो डॉटेड लाइन चल रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है टीम बी के रन स्कोरिंग को। तो इस तरीके से आप इसको इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं यदि
टू टीम्स का आता है, यदि टू टीम्स का आ जाए ना एक साथ, तो एक को सिंगल लाइन से और दूसरे को डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पर। ठीक है, क्लियर हो गया ना आप सभी का, है ना? हाँ, तो यही आपको ध्यान रखना है इसमें।